नहीं लेना था। इतना मस्त फोन है यार, इसमें हीलियो G88 है और आईफोन वाला पंचोल भी है यार। फिर भी नहीं लेना था, खतरा। आज मैं बताता हूँ क्यों। तो भाई ये रहा हमारा Realme C55, ये वाला फोन नहीं लेना था। ऐसा मैंने क्यों कहा, तो ये वाला फोन कुछ टाइम से हमारे पास है, हमने इसको टेस्ट कर लिया है, ये वीडियो इसका रिव्यू है। अब देखो ये वाला फोन, सबसे पहले तो बिल्ड क्वालिटी देख लो। ये वाला फोन ना इनके खुद के ही महंगे स्मार्टफोन यानी कि 20,000 रुपए के आसपास जो मिलता है Realme 10 Pro उसकी तरह काफी हद तक लगता है। वो वाला भी भाई बिल्ड क्वालिटी में प्लास्टिक था, ये भी प्लास्टिक है। पीछे यहाँ पर ना सन शावर कलर इसको बोलते हैं, लेकिन जैसा ये फोटोज में लग रहा था वैसा कलर निकला नहीं है, थोड़ा सा अलग सा कलर है। लेकिन हाँ, फ्लैट साइड यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर। लेकिन एक चीज मिसिंग है कि टॉप में नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं है। अब वो क्या काम करता है, कॉल क्वालिटी उसमें थोड़ी ज्यादा बेटर रहती है। अगर ऊपर भी एक माइक होता ना तो बैकग्राउंड का नॉइस है वो थोड़ा सा कट होता है, एंड कॉल क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया, होना चाहिए था इस वाले प्राइस रेंज में। एक और बात बता दूं, नीचे की तरफ आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, एक सिंगल स्पीकर इस वाले फोन में दिया गया है। काफी ब्रांड्स यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर प्रोवाइड कर रहे हैं इस वाले प्राइस में। अब देखो डिजाइन तो ठीक है, सारी बातें हो गई, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है फोन, 190 ग्राम है, 7.9 mm की थिकनेस पे आता है। वैसे इस वाले फोन में दो सिम और मेमोरी कार्ड लग जाता है। इस फोन का डिस्प्ले मेरे को थोड़ा सा अलग लगा था, क्योंकि इसमें सेंटर पंचोल दिया गया था, बाकी ब्रांड्स आपको यू शेप, वी शेप, नॉच देते हैं और बेजल्स भी ज्यादा देते हैं, तो वो इसमें आपको पंचोल के साथ बेजल्स भी कम दिए गए थे। फुल एचडी प्लस का भी डिस्प्ले है और 90Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो डिस्प्ले का मतलब काफी अच्छा लग रहा था। इवन इसके अंदर ना आपको जो कैप्सूल वाला डिजाइन है वो दिया गया था, जैसे कि हमारे आईफोन्स वगैरह में देखने को मिलता है ना डायनेमिक आइलैंड, तो वैसा कुछ बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो ना सिर्फ चार्जिंग के टाइम पे काम करता है, बैटरी लो हो जाती तब काम आता है, एक दो चीजें ही आप उससे कर सकते हो, वैसे ज्यादा नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए वो यूज नहीं होता है। डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, कलर्स वगैरह सही आ जाते हैं, आउटडोर ब्राइटनेस भी फोन की अच्छी है, 680 निट्स की ब्राइटनेस यहां पे दी गई है, जो कि फॉर द प्राइस आपको बढ़िया देखने के लिए मिलता है, वहां पे कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्क्रोलिंग स्पीड वगैरह की, 90Hz पे कैसा चल रहा है फोन, तो फोन ना मेन्यू वगैरह में अटक जाता है, क्योंकि Realme ने जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया ना Realme UI 4.0, वो ठीक है एंड्रॉइड 13 के साथ में तो आता है, लेकिन भाई यहाँ पे जो ब्लोटवेयर Realme ने ऐड किए हैं जब इस फोन को सेटअप कर रहे थे, तो काफी ज्यादा यहाँ पे ब्लोटवेयर रिकमेंड किया गया, मतलब 20 एप्स के आसपास रिकमेंड करा था, फिर हम उसको स्किप किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे फोन में काफी ज्यादा ब्लोटवेयर इंस्टॉल हो गया। लेकिन आप उनको ना अनइंस्टॉल वगैरह तो देखो कर सकते हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है ना बजट फोन में वो खराब है। अब बजट फोन ज्यादातर हमारे घर पे पेरेंट्स यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं, उनको ज्यादा भाई नॉलेज नहीं होती है, बच्चों को तो होती है लेकिन भाई पेरेंट्स एल्डर्स को नॉलेज नहीं होती है, तो वो उन सब चीजों को ऑफ नहीं करेंगे और उनको जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेकार मिलेगा। नोटिफिकेशन आएंगी आपको बिल्ट इन ऐप से अननेसेसरीज, और जो स्टॉक एप्स हैं वो भी काफी ज्यादा नोटिफिकेशन भेजती हैं, एंड एड्स आपको यहाँ पे ऐप इंस्टॉल करते हो तो ऐड देखने के लिए मिलेगा, इवन मेन्यू में ऐड देखने के लिए मिलेगा। वैसे देखो सारी चीजें अनइंस्टॉल कर दोगे, एड्स वगैरह ऑफ तो कर दोगे, लेकिन जब अपडेट आएगा उसके बाद सारी चीजें दोबारा से इनेबल हो जाती हैं भाई, तो ये ध्यान रख लेना। सॉफ्टवेयर अगर आपका एक मेजर पॉइंट है घर में फोन देना है, तो आई वोंट रिकमेंड कि आप ये वाला फोन दो। सैमसंग का स्मार्टफोन देखो, उसमें भी एड्स आते हैं लेकिन वो ऑफ कर देना, वल्गर एड सैमसंग एटलीस्ट पुश नहीं करता है, तो ये ध्यान रखना। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर नहीं किया यार सैमसंग ने, के कमेंट में लग जाओ भाई तेरे को तो सैमसंग ने स्पॉन्सर किया, नहीं भाई तुम्हारा वाई फोन खरीदता तुम्हें पता है। अभी वाला फोन में सिंगल स्पीकर दिया गया है और स्पीकर की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है भाई, लाउडनेस भी उतनी नहीं है और जो क्वालिटी है वो भी ज्यादा अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती है, तो स्पीकर्स एवरेज से छोड़ दिए। हेडफोन जैक यहाँ पे दिया गया है और डायरेक्ट ऑडियो का सपोर्ट है। प्रोसेसर की बात कर लेते, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही लगा था जो मैंने इस फोन को बाय किया भाई 11,000 रुपए में। अब इस फोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, वो तो चलो ठीक है, प्रोसेसर अच्छा लगा मैंने इसलिए ऑर्डर किया, लेकिन यहाँ पे EMMC 5.1 स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज की रीड राइट स्पीड देख लो भाई स्लो है, एंटीटू गीकबेंच के स्कोर वगैरह देख लो वो ठीक है, सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट भी ठीक आ रहा है, लेकिन भाई स्टोरेज स्लो है तो उसकी वजह से जो एप्स ओपनिंग वगैरह है ना वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, और रैम मैनेजमेंट भी फोन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, कॉल क्वालिटी रिसेप्शन वगैरह की बात करें तो डिसेंट आपको देखने को मिलता है, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि गूगल डायलर यहाँ पे दिया गया है, बाकी मेरे को 4G प्लस की कनेक्टिविटी एक बार भी देखने के लिए नहीं मिली है, 5G फोन वैसे भी है नहीं। अब गाइस Realme C55 के कैमरा की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें मेन कैमरा 64 MP है, लेकिन सेकेंडरी कैमरा ना भाई यूजलेस दिया गया है 2 MP वाला, और फ्रंट कैमरा 8 MP का है। अब जितनी हमने इससे फोटोज वगैरह क्लिक करी ना, वो फोटोज वगैरह अच्छी आ रही है भाई, सरप्राइजिंगली कैमरा फोन का मेरे को अच्छा लगा, रियर फेसिंग कैमरा। लेकिन फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो 8 MP का कैमरा है ना, तो उसकी वजह से डिटेल बहुत ज्यादा नहीं आती है, लेकिन फोटोज यहाँ पे डिसेंट आ रही है फ्रंट कैमरा से। तो रियर कैमरा ठीक है, डायनेमिक रेंज वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे देख लो, कलर्स वगैरह भी देख लो, और वीडियोज भी हमने कैप्चर करी थी वो भी यहाँ पे आप देख लो। वीडियो 1080p 60fps पे रिकॉर्ड हो रही है। हाँ भाई मोहित, मजा आ रहे हैं धूप में।
तो भाई इस तरीके की कुछ क्वालिटी निकल के दे देता है। रेयर फिशिंग कैमरा सिलेक्शन वगैरह चेक करें तो कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिल जाएगी आपको। कैसी लग रही है फ्रंट कैमरे की वीडियो? 1080 पे 30 fps हुआ है इसमें फ्रंट में। चौना मार रहा है धूप में है भाई। तो कैसी वीडियो क्वालिटी मिल रही है आपको पता चल जाएगा। देखो ऐसे डायरेक्ट अगेंस्ट लाइट दिखा रहा हूँ आपको, तो लाइट तो मैनेज कर पा रहा है ठीक से, ऐसे ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, तो देख लो। अब देखो गेमिंग की बात करते हैं तो भाई देखो 40 fps तक ये फोन सपोर्ट करता है, लेकिन जब आप गेम खेलने जाओगे तो उतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। और जायरो परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई फोन के अंदर जायरोस्कोप सेंसर ही नहीं दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। एंड मैंने जब जायरो चेक किया तो भाई बहुत ही ज्यादा डिले है, मतलब गेमिंग वगैरह तो भाई इस वाले फोन में नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने इस वाले फोन को ऑर्डर किया था पहली सेल में, बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसको परचेज किया। अगर आपने परचेज किया भाई इसको तो मैं बोल दूंगा कैंसिल योर ऑर्डर्स एंड परचेज करो कुछ दूसरा स्मार्टफोन। कोई भी हेट नहीं है मेरी तरफ से फोन को, लेकिन मुझे स्पेसिफिकेशंस देख के अच्छा फोन लगा तभी मैंने मंगाया भाई, किसी की वीडियो देख के नहीं मंगाया मैंने किसी अदर क्रिएटर की, क्योंकि मैं चाहता था खुद से टेस्ट करूं, क्योंकि भाई खुद से टेस्ट करके ज्यादा चीजें पता चलती है। बट हाँ इसके अंदर सारे बेसिक सेंसर दिए गए हैं बट जायरो नहीं है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, 33 watt की चार्जिंग यहाँ पे दी है, तो 33 watt की चार्जिंग एक बहुत अच्छी बात है, इस वाले प्राइस रेंज में जनरली नहीं मिलती है। और 5000 mAh की बैटरी के साथ में फोन अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है, वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। अब देखो बात आती है कि यहाँ पे इस वाले स्मार्टफोन में इतनी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस होने के बाद भी रियलमी ने इस वाले फोन को क्यों इतना ज्यादा खराब कर दिया। देखो फोन नंबर्स में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, काफी ज्यादा सिमिलर एक और स्मार्टफोन आता है रियलमी नार्जो N55, वो C55 जैसा ही है, बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस बैक पैनल का डिजाइन चेंज है। लेकिन इस वाले फोन में मीडियाटेक का हीलियो G88 दे दिया, बड़ी बैटरी, चार्जिंग फास्ट दे दी, डिस्प्ले अच्छा दे दिया, पंच होल भी दे दिया, लेकिन सारा काम खराब कर दिया भाई इसके सॉफ्टवेयर ने रियलमी Y4, जो कि बहुत ही ज्यादा एड ब्लोटवेयर और कचरा से भरा हुआ है भाई यहाँ पे। तो इस वाले स्मार्टफोन को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा अपनी साइड से। अगर हाँ रियलमी इसका सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करे, जो इश्यूज है इस फोन में उसको इंप्रूव करे, तब ये वाले स्मार्टफोन को आप देखना, लेकिन आज की डेट में इस वाले फोन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा भाई, ये वाला स्मार्टफोन हो जाता है हमारी तरफ से कि ये वाला वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पे भाई खुद के पैसे से स्मार्टफोन परचेज करके आपके लिए एकदम ऑनेस्ट वीडियोस लाने की कोशिश करता है, और रिव्यूज तो आपको पता ही है भाई हमारे काफी ज्यादा तगड़े होते हैं। तो चलो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।